नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से ताजा आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से पहली सूचना है, राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से नए सत्र में प्रवेश जो है प्रारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी 2023 सत्र में दाखिले का आगाज गुरुवार को हो गया है। दाखिले की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई है। तो ये सारे अभ्यर्थी जो इनके इससे संबंधित कोर्सों में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहीं 21 से 31 मई के बीच परीक्षा CUET UG के लिए 12 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन, संयुक्त स्नातक प्रवेश परीक्षा 2023 CUET के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बृहस्पतिवार को देर रात से शुरू हो गई है। उम्मीदवार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि CUET परीक्षा 2023 प्रवेश परीक्षा 21 से 31 मई तक अलग अलग दिनों में कराई जानी है, अलग अलग पालियों के बेसिस पे। वहीं PCS 2022 का जो मेंस का रिजल्ट है उसको घोषित कर दिया गया। 1070 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको सफल घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। मुख्य परीक्षा का जो परिणाम है उसमें देरी हो रही थी और अभ्यर्थी लगातार इसका इंतज़ार कर रहे थे। अब इंटरव्यू आदि का जो शेड्यूल है ही कराया जाएगा। वहीं PCS मुख्य परीक्षा 27 सितंबर को की गई थी। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना आ रही है वो KBS एग्ज़ाम को लेकर के आ रही है। KBS की जो डेट थी उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर पेपर फर्स्ट जो है 7 तारीख पे होने थे और उसी क्रम में आगे आप देखेंगे कि TGT PGT की जो डेट्स है उसमें भी अंतर किया गया है। TGT 12 तारीख को 12 फरवरी, TGT सोशल साइंस जो है वो 12 तारीख को ही दिया है, 13 तारीख को है TGT इंग्लिश का। इसी तरह से केमिस्ट्री PGT जो है 18 तारीख को, 18 तारीख मैथ PGT और जियोग्राफी भी है और बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी भी 20 तारीख को है। तो इसी तरह से आप देखेंगे प्राथमिक से लेकर के जो TGT PGT अन्य भर्तियां हैं उनसे संबंधित जो डेट्स हैं वो स्पष्ट कर दी गई हैं। प्राथमिक की भर्ती सबसे लास्ट में, एग्ज़ाम सबसे लास्ट में करा रहा है तो आप अपने इसी के अनुसार एडमिट कार्ड ले पाएंगे, आप देख लीजिए। वहीं नर्स के 92 सेंटरों पे जो परीक्षाएं हुई थी वो निरस्त करके पुनः परीक्षा कराई जा रही है। इसमें 568 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी हुआ था। 3680 अभ्यर्थियों को दोबारा देनी होगी परीक्षा। तो नर्स की जो परीक्षा हुई थी उसमें कुछ सेंटरों पे धांधली की शिकायत आई थी, उन्हीं सेंटरों पर, लगभग 92 सेंटरों पर जो है परीक्षा पुनः कराई जा रही है। उनके नाम आज के समाचार पत्रों में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और इन्हीं सेंटरों के जो बच्चे हैं उनको पुनः से परीक्षा देनी पड़ेगी। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो नए अध्यक्ष सदस्यों के इंतज़ार में अटकी है 2 बड़ी भर्तियां। असमंजस में आवेदन करने वाले 14,33,000 अभ्यर्थी छात्रों को अब नहीं, नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का है इंतज़ार, क्योंकि यह स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है कि अब जो परीक्षाएं होंगी वो नए शिक्षा आयोग से ही संभव हो पाएंगी, चाहे वो प्राथमिक की नई भर्ती हो, चाहे अन्य जो भर्तियां हैं या रुकी हुई उनकी, या इनकी जो परीक्षाएं हैं जो नई TGT PGT आदि हैं। तो फिलहाल अभी नए शिक्षा आयोग का इंतज़ार ही लास्ट विकल्प होगा अभ्यर्थियों के लिए। वहीं दिया है, राज्य शिक्षा आयोग से होगी मेडिकल शिक्षकों की भी भर्तियां। बेसिक माध्यमिक और उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित किए जा रहे राज्य शिक्षा आयोग सेवा आयोग से अब मेडिकल शिक्षकों की भी भर्ती होंगी। शासन में इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है, CPF सिपाही भर्ती के बीच 2 गुना, लगभग 46,435 जो है पद हो गए हैं, यानी कि जो पद निकाले गए थे उनसे अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है, जो कि SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करा रहा है। वहीं देखिए जो बढ़े हुए पद हैं BSF में
बीएसएफ में लगभग 21,052, सीआरपीएफ में 11,159, आईटीबीटी में 1,990, एएसएसबी में 2,274, सीआरपीएफ में 6,060, असम राइफल में 3,601, सचिवालय सुरक्षा बल पर 214। तो इस तरह से सभी विभागों में पद जो है बढ़ा दिए गए हैं। यह एसएससी के जीडी के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। वहीं परीक्षाओं में धांधली पर छात्र भड़के, पथराव और लाठीचार्ज। प्रदेश के नकल रोधी अध्यादेश राजभवन भेजा गया है, 300 लिए गए हैं हिरासत में। यह देहरादून से खबर आ रही है। परीक्षाओं में धांधली को लेकर के सीबीआई जांच की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर राजधानी में लाठीचार्ज किया गया और उनके उग्र प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा किया गया। तो यह दुखद है क्योंकि अभ्यर्थियों को जब सही अवसर नहीं और मिलता भी है तो उसमें धांधली हो जाती है, तो दुख तो जाहिर सी बात है होगा। और ऐसी स्थिति हर प्रदेश में नज़र आ रही है, यूपी तो इसमें सबसे ऊपर नज़र आ रहा है। तो यह दुखद है, हमेशा छात्रों पे ही इस तरह की घटनाएं सामने आने लगती हैं। और कहीं ना कहीं परीक्षा एजेंसियों को सुरक्षित परीक्षा कराने पर जोर देना चाहिए और सरकार पर भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।